एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, आज है क्रिसमस और आप सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। सो गाइस, आज का हमारा प्लान कुछ इस तरीके से है कि हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। सो सबसे पहले हम लोग जाएंगे हनुमत धाम, देन उसके बाद जाएंगे हम लोग हजरतगंज, एंड हजरतगंज में आपको जो क्रिसमस की रौनक है वो दिखाएंगे। सो बने रहिएगा इस व्लॉग में, एंड मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं हनुमान धाम मंदिर के लिए, एंड अगर आप लोग बाय मेट्रो आ रहे हैं हनुमान धाम के लिए तो उसका जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है केडी सिंह मेट्रो स्टेशन। यहाँ से जो हनुमान धाम मंदिर की दूरी है वो 700 मीटर की है। सो अब हम लोग पहुँच गए हैं हनुमान धाम मंदिर। प्रवेश द्वार जो देखने में बहुत ही सुंदर है, इसी प्रवेश द्वार के बाहर आपको प्रसाद और फूल माला की बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। यहाँ से आप प्रसाद व फूल माला ले सकते हैं, तो हमने भी प्रसाद ले लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो जैसे ही हम मंदिर के अंदर जाते हैं तो मंदिर की इन लाल ईंटों की दीवारों पर आपको हनुमान जी की छोटी छोटी प्रतिमाएं बनी हुई दिखाई देती हैं, जो कि देखने में बहुत ही अद्भुत और सुंदर हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहली प्रतिमा श्री गणेश जी की दिखाई देती है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है। सो गणेश जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं इस धाम के गर्भगृह में। सो ये है हनुमान जी का गर्भगृह। गर्भगृह में हनुमान जी के मंदिर में दक्षिणामुखी हनुमान जी की बहुत ही सुंदर सफ़ेद पत्थर की मूर्ति है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। सो इसी मंदिर में भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता माता व भगवान शिव माता पार्वती गणेश जी की भी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जिनके बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं हमें। सो अब हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हमने माता रानी के भी दर्शन किए और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमें माता रानी के भी। सो अब हम जा रहे हैं हनुमान वाटिका की ओर। सो सीढ़ियों से नीचे उतरते ही आपको बहुत ही सुंदर वाटिका दिखाई देगी, जिसे हनुमान वाटिका कहते हैं। तो ये है इस वाटिका का नज़ारा, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर लोग आके यहाँ के व्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय भी करते हैं। इस सुंदर वाटिका में आपको गोमती नदी का बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। इस गोमती नदी में आप बोटिंग भी कर सकते हैं, और गोमती नदी के पास एक बरामदा बना हुआ है जो कि सुंदर स्तंभों से सुसज्जित है, जो कि इस जगह को और भी ज़्यादा सुंदर बना देता है। सो दोस्तों, यहाँ मैं पहली बार आई हूँ और यहाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मन एकदम शांत हो गया। सो अगर आप लोग भी लखनऊ आ रहे हैं तो आप एक बार हनुमान धाम मंदिर ज़रूर आएँ और यहाँ आप हनुमान जी के दर्शन करें और यहाँ के नज़ारों का आनंद लें। सो दोस्तों, हनुमान धाम में हनुमान जी के बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए हैं। सो अब हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं हजरतगंज। सो दोस्तों, अभी हम लोग निकल चुके हैं कैथेड्रल चर्च के लिए, और ये सहारागंज होते हुए हम लोग जा रहे हैं सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च, जो कि हजरतगंज में है। और आज हजरतगंज में काफ़ी ज़्यादा रश था,
सो ऑब्वियसली आज क्रिसमस है तो रश तो देखने को मिलेगा ही, बट ये तो दिन में कुछ भी नहीं है, शाम को यहाँ पे और भी ज़्यादा रश हो जाता है। और ये है हजरतगंज मार्केट, और यहाँ पर बच्चों की ऐसे सेंटा क्लॉस वाली छोटी छोटी हैट एंड मास्क मिल रहे थे। सो मैंने भी अपने बच्चों के लिए यहाँ से हैट ली थी, और ये यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कराने के लिए आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जा रहे थे थोड़ी थोड़ी दूरी पर। और हर शॉप्स पर यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर डेकोरेशन की हुई थी, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड यहाँ पर खाने पीने की बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हुए थे। बच्चों के लिए टॉयज, बलून्स, काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों के लिए मिल रही थी। और ये यहाँ पे मिल रही थी पेस्ट्रीज़, मुझे तो पेस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, आई होप कि आप लोगों को भी पेस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती होंगी। सो ये यहाँ पर बहुत सारी कैंडीज़, हैट्स मिल रहे थे। और ये है कैथेड्रल चर्च का एंट्री गेट, और ये गेट पर मैरी क्रिसमस लिखा हुआ है। और ये है सामने चर्च, बहुत ही बड़ा चर्च है, एंड इस समय भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। तो अंदर आते यहाँ पे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, एंड ये यहाँ पर सब कैंडल जला रहे थे। देन थोड़ा आगे जाने पर अंदर काफ़ी सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हमें देखने को मिले। यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत ही सुंदर सुंदर फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, सो हमने भी यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करी। एंड यहाँ पर सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड रात में जब यहाँ पर लाइटिंग वगैरह होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। सो गाइस, ये था हमारा आज का क्रिसमस का व्लॉग। सो मैं अपने इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, आई होप कि आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। सो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड मैरी क्रिसमस।